लेकिन अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी को हम लोग अच्छा नहीं समझते, हम ये कहते हैं कि नहीं वो कातिल है, अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि चाय वाला है, वो तो अनएजुकेटेड है। लेकिन आज इंडिया में एक D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है, जिसमें बगैर इंटरनेट के आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं बगैर इंटरनेट के। सर देखें, इंडिया ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब मैं क्या कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान कहीं भी बिलोंग नहीं करता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास हर लिहाज से। आपके सुनने वालों को कहता हूँ मैं, चेक करें, हैदराबाद इंडिया हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द होल कंट्री ऑफ पाकिस्तान। एजुकेशन मदरसा लेवल तक पहुंच चुका है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए थे वहां मदरसों पे तवज्जो। सो दैट इज द प्रॉब्लम जिसमें वो फंसे हुए हैं। असल में दर हकीकत ना हमने इस्लाम को सही तरीके से समझने की कोशिश की है, ना पाकिस्तान को समझा है। और जिसको मैं तय करने लग गया हूं कि ये ईस्ट ऑफ ग्रीस जो है वो कुछ अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि वहां इंसानियत और यूनिवर्सैलिटी का की सोच आ ही नहीं सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि भारत में लॉन्च होने जा रही है D2M टेक्नोलॉजी। जी हाँ, D2M टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप बिना इंटरनेट के ही आप अपने मोबाइल पे वीडियोस देख सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रेवोल्यूशन लाएगा इंडिया के अंदर। क्योंकि दूर दराज गाँव के अंदर जहाँ लोग इंटरनेट रिचार्ज नहीं करवाने के कारण वो अपने मोबाइल पे वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते, नहीं देख सकते, तो यह बिना इंटरनेट के इसलिए काम करेगा क्योंकि ठीक जैसे आप TV के नॉर्मल चैनल बिना इंटरनेट के देखते हैं या फिर रेडियो पर कोई प्रोग्राम बिना इंटरनेट के देखते हैं, यानी सिग्नल कैच करता है रेडियो और टेलीविजन, तो आप कोई भी चैनल या प्रोग्राम सुनते हैं देखते हैं, तो यह जो D2M टेक्नोलॉजी है ठीक उसी बेस पे काम करेगा। तो भारत सरकार की तरफ से यह एक बहुत ही बड़ा कदम है D2M टेक्नोलॉजी लाने का, जिससे खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं या फिर रूरल इलाकेज में जहां पे लोग इंटरनेट नहीं रिचार्ज कर पाते हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया इस टेक्नोलॉजी को देख सुनकर के रो रही है कि आखिर ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। इंडिया में एक D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है, जिसमें बगैर इंटरनेट के आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं बगैर इंटरनेट के। किस तरीके से आप देखते हैं कि कहाँ पे निकल गया इंडिया टेक्नोलॉजी के अंदर? सर देखें, इंडिया ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब मैं क्या कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है कि उनकी बचत होगी और वो इजीली हर चीज़ वो काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और ये जो D2M डायरेक्ट टू मोबाइल, ये पाकिस्तान में भी लॉन्च होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला इशू आ रहा है इंटरनेट का। 75 ईयर्स मोर देन दोनों कंट्रीज़ को हुए हैं, तो क्या वजह है कि हमसे आ गया वो? इवन के आज अगर टेक्नोलॉजी हब देखें तो इंडिया ही माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास हर लिहाज से। पाकिस्तान की एजुकेशन मदरसा लेवल तक पहुँच चुका है, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए थे वहाँ मदरसों पे तवज्जो। सर पहली चीज़, पाकिस्तान को बैक ऑन ट्रैक लाना कितना बड़ा टास्क है? देखिए, आपने अपने ओपनिंग मोनोलॉग में एक इंटरेस्टिंग बात करी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मदरसेस की बात करी। आपके सुनने वालों को कहता हूं मैं, चेक करें, हैदराबाद इंडिया हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द होल कंट्री ऑफ पाकिस्तान। राइट, हैदराबाद शहर की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द स्टेट, नॉट द कंट्री। आई थिंक देयर आर मोर इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं एक छोटा सा प्राइमर देता हूं, एक के उनका जो एक्सटर्नल डेट है और दूसरा उनकी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो उनका जो एक्सटर्नल डेट है इट इज नियरली इक्वल टू द इंटरनल डेट, थोड़ा सा कम है, यानी 40-60%। तो एक्सटर्नल डेट इनका $130 बिलियन है, 130, विच इज नियरली 40% ऑफ द GDP। पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व $4-7 बिलियन के बीच में है। तो ये $7 बिलियन से वो कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भी अदा करेंगे और जो एनर्जी के इंपोर्ट्स हैं बाहर से, तो उसके भी सारे पेमेंट्स डॉलर्स में होंगे। सो दैट इज व्हाई वो एक फंसा हुआ है, यानी हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए उसे एक नया लोन लेना पड़ता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम जिसमें वो फंसे हुए हैं। अगर आप उसको इंडिया से कॉन्ट्रास्ट करें
then you will get a sense of what a healthy economy. India ka external debt 620 hai. Pakistan se 6 guna zyada. Lekin India ki jo economy hai, it's at 3 trillion. So the debt is much less. Plus India ke paas abhi bhi 550 billion dollars ke reserves hai. So India is, will be able to easily pay off all its commitments to international hai because it has a huge reserve. Pakistan ke paas reserve hi nahi hai, to wo payment hi nahi kar sakte. To usme ye hota hai ki aap default kar dete hain. Aapko koi kharza nahi dega. Aapko koi foreign investments bhi nahi aayenge. So the economy is in a total mess. Uske do wajuhat hai. Ek to structurally bahut problems hai unke paas. Dusri problem ye hai ki infrastructure bahut weak ho gaya hai. Teesra problem ye hai ki unka exports aur imports ka gap badhte hi ja raha hai, badhte hi ja raha hai. To ek to ek, it is really badly governed. I think it is safe to say that Pakistan is a failed state as far as management is concerned. Aur saath saath Bajwa sahab ki extension ke bare mein bahut khabrein chal rahi hain. Ye ek bahut bada is waqt rumor Islamabad ke andar chal rahi hai. Bilkul. To maine bhi isko is pe speculate kiya tha ki ye lag nahi raha ki Bajwa sahab jayenge, lekin aaj phir wo baatein chal rahi hain. Ye double standard wale do do chehron wale log hain. Aarzoo aapki badkismati ye hai ki aapko acha sincere leader hi nahi mila. Main pehle bhi arz kar chuka hu कि पिछले दिनों किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि इस पूरे कंट्री के अंदर एक लीटर खालस दूध नहीं मिलता और मौलवी कहते हैं रोजाना कहते हैं जी हम ये इस्लाम पूरी दुनिया पे कहते हैं प्रीच कर देंगे और पहले आधा आधा लीटर दूध तो ढूंढ दो खालस कहीं इस मुल्क में से यार. असल में दर हकीकत ना हमने इस्लाम को सही तरीके से समझने की कोशिश की है, ना पाकिस्तान बनाया है, ना पाकिस्तान को समझा है. एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है इंडिया ने जिसको सुनकर मैं भी हैरान हुई, मैं भी आप भी हैरान हो जाए. इंडिया ने D2M के नाम से एक टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जिसमें इंसानों मतलब लोगों का ये बेनिफिट है कि वो विदाउट नेट कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म, कोई भी सीरीज को देख सकते हैं, पैकेज हो ना हो. क्या लगता है कैसी टेक्नोलॉजी? नहीं नहीं बेहतरीन है, आसानी पैदा की है लोगों के लिए. हाँ. क्या लगता है आपको कि हमारे इमरान खान जो आज लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, उन्होंने भी अपनी हर हताब में तकरीबन उन्होंने इंडिया की पॉलिसीज की बड़ी तारीफें की हैं? नहीं, उनकी तारीफें दुनिया सारी दुनिया ही कर रही है. खान साहब ने भी की है, शहबाज शरीफ ने भी की है, कोई नई बात नहीं है, अपने काम से उन्होंने मनवाया है. लेकिन अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी को हम लोग अच्छा नहीं समझते. हम ये कहते हैं कि नहीं वो कातिल है. अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि चाय वाला है, वो तो अनएजुकेटेड है. लेकिन आज दुनिया मतलब उसके साथ इंगेज होकर चल रही है. हाँ बिल्कुल ऐसी है. नहीं नहीं दुनिया के साथ, वो दुनिया के साथ चल रहे हैं. D2M मतलब इससे लोगों के ये बेनिफिट्स हैं कि विदाउट नेट वो सीरीज देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं, मोबाइल में कोई भी चीज़ देख सकते हैं, मतलब विदाउट नेट जैसे रेडियो काम करता है. क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दूर दूर तक कोई सोच नहीं रहा? बिल्कुल ऐसे ही है. बेसिकली हम तो अभी तक 4G जो है ना वही नहीं हमारे यहाँ पे कम्प्लीट हो रहा, तो इनको सोचना चाहिए कि आवाम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए. हमारे जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं हमारे ऊपर बैठे हुए हैं.